पास परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस दिस टेंस इज़ फॉर्म्ड विथ हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉम प्लस आई एन जी तो ये टेंस बनाने के लिए हम हैड बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द व प्लस आई एन जी लगाते हैं द नेगेटिव इज़ फॉर्म्ड बाई पुटिंग नॉट आफ्टर हैड और जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो साथ में हैड के नॉट लगाते हैं द इंटेरोगेटिव इज़ फॉर्म्ड बाय पुटिंग हैड बिफोर द सब्जेक्ट और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट से पहले हैड लगाते हैं हम एग्जांपल देखते हैं जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस है आई हैड बीन प्लेइंग नेगेटिव कैसे बनेगा आई हैड नॉट बीन प्लेइंग फिर वी हैड बीन प्लेइंग वी हैड नॉट बीन प्लेइंग ये इसका नेगेटिव हो गया फिर यू हैड बीन प्लेइंग यू हैड नॉट बीन प्लेइंग ही हैड बीन प्लेइंग ही हैड नॉट बीन प्लेइंग शी हैड बिन प्लेइंग शी हैड नॉट बिन प्लेइंग दे हैड बिन प्लेइंग दे हैड नॉट बिन प्लेइंग रवि हैड बिन प्लेइंग रवि हैड नॉट बिन प्लेइंग बॉयज़ हैड बिन प्लेइंग बॉयज़ हैड नॉट बिन प्लेइंग तो इस तरह से आपने देखा हैड के साथ हम जब नाट लगाएंगे उसके बाद बीन लगाएंगे तो फिर वो नेगेटिव सेंटेंस बनेगा और अपॉर्मेटिव सेंटेंस में हम हैड बीन का यूज़ करेंगे इसी तरह से जब हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो फिर हम सब्जेक्ट से पहले यूज करेंगे हैड को जैसे हैड आई बीन प्लेइंग अब इसी को नेगेटिव अगर इंटरोगेटिव बनाना है, हैड आई नॉट बीन प्लेइंग अब यहाँ पे हमने सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया सब्जेक्ट से पहले हैड और सब्जेक्ट के बाद नॉट को इसी तरह से सेकंड सेंटेंस देखते हैड वी बीन प्लेइंग हैड वी नॉट बीन प्लेइंग Had you been playing, had you not been playing? Had he been playing, had he not been playing? Had she been playing, had she not been playing? Had it been playing, had it not been playing? Had they been playing, had they not been playing? Had Ravi been playing, had Ravi not been playing? Had boys been playing, had boys not been playing? तो इस तरह से हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूज टेंस में इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे अब इसका यूज़ कहाँ करना है इस टेंस का हम कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे द पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूज टेंस इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगन बिफोर ए सर्टन टाइम इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू दैट टाइम और स्टॉप्ड जस्ट बिफोर इट तो इसका यूज़ हम करेंगे उस एक्शन को एक्सप्रेस करने में जो पास्ट में कोई एक सर्टन टाइम से पहले या तो ख़त्म हो गया या फिर उस सर्टन टाइम पे वो कंटिन्यूड था जैसे फॉर एग्जांपल द बेबी हैड बीन क्राइंग फॉर टेन मिनट्स व्हेन द नर्स अटेंडेड टू हर जब नर्स ने अटेंड किया बेबी को तो वो दस मिनट से रो रही थी तो यहाँ पे एक्शन क्या है यहाँ पे एक्शन है कि वो जो बेबी है वो रो रही है और जो सर्टन टाइम है या सर्टन मोमेंट है वो क्या है जब नर्स ने उसको अटेंड किया तो नर्स के अटेंड ने जब उसको अटेंड किया तो बेबी पहले से दस मिनट से रो रही थी तो इसका क्या मीनिंग हो गया कि वो जो एक्शन है वो कंटिन्यू है नर्स नर्स के अटेंड करने तक तो इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं अंटिल ही रीच्ड एट्थ क्लास रवि हैड बीन स्टडिंग इन ए विलेज स्कूल तो यहाँ पे क्या है कि जब तक वो आठवीं क्लास तक नहीं पहुंचा तो रवि जो था वो विलेज के स्कूल में ही उसने पढ़ाई की तो अब यहाँ पे देखो आप कि यहाँ पे जो एक्शन है वो क्या है एक्शन हो गया कि रवि पढ़ रहा था स्कूल में लेकिन यहाँ पे सर्टन टाइम क्या है कि जब तक वो एट्थ क्लास में नहीं पहुँचा तो इस सर्टन टाइम पे उसका वो एक्शन कंप्लीट हो गया तो इसके बाद इसको हम यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में एक सर्टन एक्शन है जो कि एक सर्टन टाइम पे सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम पे वो कंप्लीट हो जाता है तो ऐसे टेंसेज में ऐसे सेंटेंसेस में हम यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इसी तरह से टू एक्सप्रेस अ रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट परफेक्ट ऑन ए कंटीन्यूस एक्शन तो हम क्या करते हैं एक्सप्रेस करते हैं उस एक्शन को जो रिपीटेडली हुआ है पास्ट परफेक्ट में उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूस एक्शन में कर उसको एक्सप्रेस करेंगे जैसे कि ही हैड ट्राइड many टाइम्स टू फोन हर उसने उसे बहुत बार फ़ोन करने की कोशिश की अब अब ये जो है रिपीटडली एक्शन है तो इसे हम पास परफेक्ट कंटिन्यूज में कैसे बोलेंगे ही हैड बीन ट्राइंग टू फोन हर वो उसे कोश, वो उसे फ़ोन करने की कोशिश कर रहा है मीन्स रिपीटडली वो एक्शन कर रहा है कंटिन्यूसली तो आ, बार बार फोन कर रहा है तो ये क्या हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस